मैं बीपी सिंह रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। आज हम कश्मीर की धरती से पुरानी पेंशन की आवाज़ को बुलंद करने लिए आए हैं, और जो एनपीएस काला कानून है जो केंद्र सरकार ने 2004 में लागू किया था और जम्मू कश्मीर सरकार ने 2010 में लागू किया था, इसी काला कानून को ख़त्म करने के लिए हम जम्मू कश्मीर की धरती से इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं। और मुझे विश्वास है आप सभी के माध्यम से इस आवाज़ को जम्मू कश्मीर के सभी मुलाजिम सुनेंगे और देश के लाखों एनपीएस कर्मचारियों तक ये आवाज़ पहुंचेगी, और ये आवाज़ इतनी बड़ी बुलंद होगी कि दिल्ली तक पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर गुलजवेर डैंग जी के माध्यम से इस आवाज़ को हम जम्मू कश्मीर के प्रत्येक विभाग से लेकर प्रत्येक गांव-गांव तक इस आवाज़ को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम कर रहे हैं। हम देश के सभी राज्यों में कोने कोने तक इस आवाज़ को पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और ये आवाज़ हर विभाग से लेकर, हर कर्मचारी से लेकर, हर मुलाजिम से लेकर, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे एक हमारा चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो, शिक्षक हो, डॉक्टर्स हो, सबकी लड़ाई है, ये सबकी हक की लड़ाई है। एक तरफ हमारे विधायक सांसद पुराना पेंशन लेते हैं और हमारे मुलाजिमों को एनपीएस देते हैं, तो ये इसी काला कानून को, एनपीएस को ख़त्म करने के लिए हम लगातार सड़कों पे, लगातार मीडिया के माध्यम से इस आवाज़ को बड़ी करने का कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए हम लगातार बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और आज हम जम्मू कश्मीर में भी पहुँचे हैं। और मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर के सभी मुलाजिम इस लड़ाई में अपना सहयोग करेंगे और गांधीवादी तरीके से हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।